क्या मुद्दे रहे, क्या जानकारी देंगे? देखिए ऐसा है कि समय गर्मी का सीजन है और 45 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जब जाता है तो ये गर्मी से जनित बीमारियां होने लगती हैं, तो उसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को मैसेज देने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है कि इससे क्या क्या, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या क्या बीमारियां, किस तरह की कंडीशन हो सकती हैं वो आप जनता को बताएं। दूसरी इसका एक उद्देश्य है कि संचारी रोगों का भी सीजन ये आने वाला है और आजकल शादियां बहुत हो रही हैं तो उसमें फूड पॉइजनिंग के काफ़ी केसेस यहाँ होते रहे हैं। विगत सालों में भी कई केस हुए, इस साल भी एक दो केस हो चुके हैं, तो हमें वहाँ की जनता को भी जागृत करना है कि वो खान पान की किस तरह से व्यवस्था करें, वो डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसको जनता को जागृत करें और इस मैसेज को जन जन में फैलाएं। स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभाग भी इसकी के लिए मददगार है, उसके किस तरह के कदम उठाए? देखिए उसके लिए ऐसा है कि एक हमने मीटिंग बुलाई है इसी 10 तारीख को, उसमें जितने भी हमारे विभाग सहयोग विभाग हैं जिसमें नगर विकास है, ग्राम विकास है, एजुकेशन है और पशुधन विकास है और ICDS विभाग है, इन सब के अधिकारियों को हमने बुलाया है और हम एक मिलकर कार्य योजना बनाएंगे इससे हम कैसे रोका जाए और फिर उस कार्य योजना के अनुसार हम लोग काम करेंगे और हम 15-15 दिन पर हम समीक्षा करेंगे कि हमने इस कार्य योजना के अनुसार कितना काम किया। देखिए ऐसा है कि वो मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो मैं उनसे, मेरी एक बार वार्ता हो चुकी है उनसे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो टीम बना के अपने डॉक्टर्स को लगा देंगे। अब मैं एक बार उनसे फिर मिलूंगा आज्ञाकर में और उनसे कहूंगा कि अब वो इसको धरातल पर लेके आए और अपने डॉक्टर्स से ये सब काम करें।